सोशल मीडिया पर बेहद लोकप्रिय बाल भक्त अभिनव अरोड़ा अब थोड़ी मुसीबत में हैं। उनकी माँ की माने तो इस बालक को अब लगातार धमकियां मिल रही हैं, और वो भी छोटे मोटे लोग नहीं बल्कि बड़े बड़े गैंगस्टरों से। अभिनव की माने इस बारे में पुलिस ने शिकायत की है। पिछले कुछ महीनों में ही अभिनव सोशल मीडिया की सनसनी बन गया है। उसकी हरकतें और बातें वायरल हो रही हैं। ऐसे में कुछ यूट्यूबर्स ने उसके दिलचस्प वीडियो बनाए तो बात बिगड़ने लगी और उसकी पोल खुलने लगी। अब उसकी मां ने इन यूट्यूबर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी है। क्या है यह पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे पास लॉरेंस विश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। महज 10 साल की उम्र में सोशल मीडिया पर बाल संत के रूप में प्रसिद्ध हुए अभिनव अरोड़ा इन दिनों चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद अब अभिनव के परिजनों का दावा है कि उनके बेटे को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जान से मारने की धमकी दी है। अभिनव की मां ज्योति अरोड़ा ने मथुरा कोतवाली पुलिस में इसको लेकर केस भी दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हमारे पास व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और मैसेजेस में हमें धमकाया जा रहा है कि आपको मार दिया जाएगा, आपको ये सब कुछ बहुत ही अपशब्द बोले जा रहे हैं, जो कि मुझे नहीं पता कि क्यों लोग ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ। हालांकि बच्चे ने कुछ गलत नहीं किया है, वो सिर्फ भक्ति कर रहा है। हालांकि इससे पहले भी अभिनव के परिजनों ने सोशल मीडिया पर अभिनव को बदनाम करने का आरोप लगाकर 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पिछले दिवाली में बहुत खुश था क्योंकि राम जी ने मुझे अपने घर बुलाया था, मैंने अपनी आंखों से दीपोत्सव देखा था। लेकिन दिवाली तो खुशियां मनाने और बांटने का नाम है, लेकिन इस दिवाली इन ट्रोलर्स और यूट्यूबर्स ने मेरी खुशियां छीन दी। दरअसल बाल संत अभिनव अरोड़ा को इन दिनों खूब ट्रोल किया जा रहा है। अभिनव की उम्र मात्र 10 साल है। परिजनों का कहना है कि अभिनव 3 साल की उम्र से भक्ति के रास्ते पर है। अभिनव श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में पूछते हैं। वो अक्सर मथुरा और वृंदावन से सोशल मीडिया पर आध्यात्मिक कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तो अभिनव अरोड़ा को सबसे युवा आध्यात्मिक वक्ता तक बताया है। लेकिन इन दिनों अभिनव और उनके पिता तरुण राज अरोड़ा ट्रोल किए जा रहे हैं। तरुण राज अरोड़ा टेडएक्स स्पीकर और बिजनेसमैन हैं। लोगों का कहना है कि अभिनव धर्म के नाम पर सोशल मीडिया के जरिए पैसा कमाने का धंधा चला रहा है और इन सब के पीछे अभिनव के पिता का हाथ है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य एक कथा के दौरान अभिनव को मंच से डांट कर भगाते नजर आए थे। इस वीडियो के बाद बाल संत अभिनव को खूब ट्रोल किया जाने लगा, जिसके बाद अभिनव ने भी अपनी बात रखी। जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज जी ने मुझे मंच से उतारने को कहा और मुझे डांटा भी, लेकिन ये किसी ने नहीं डाला कि जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज जी ने उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था। अरे बाल व्यवस्था में तो गलती हो ही सकती है ना। अभिनव के परिजनों का कहना है कि लगातार नफरत की टिप्पणियों की वजह से उनके बेटे की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, साथ ही ऑनलाइन ट्रोलिंग से उनकी दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। परिजनों का दावा है कि उनके परिवार की गरिमा और मानसिक शांति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इन सब के बीच अब अभिनव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी देने की बात भी सामने आ चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे जांच में क्या खुलासा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल ये जमाना अब सोशल मीडिया का है। अक्सर लोग वायरल होने के लिए कुछ ऊल जलूल हरकतें करते हैं। अभिनव की मां का कहना है कि लोग अभिनव के जरिए अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश में हैं और सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, इसलिए इस मामले में अब गैंगस्टर लॉरेंस का नाम भी जुड़ चुका है। तो अब ये गंभीर मुद्दा बनता दिख रहा है। आगे इसमें क्या कुछ निकल के आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा।